सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी पीस वाइज फंक्शन के एक जनरल कंसेप्ट के बारे में है ना एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि पीस वाइज फंक्शन को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल देखा था तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीस वाइज फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन या फॉर्मल डेफिनेशन क्लियर अच्छा एक चीज़ और पीस वाइज फंक्शन को हाइब्रिड फंक्शन भी बोला जाता है आई रिपीट पीस वाइज फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड फंक्शंस क्लियर तो अब ये पीस वाइज़ फंक्शन है क्या इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं अब पीस वाइज फंक्शन फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय मल्टीपल सब फंक्शन अब देखिए जैसे वो एग्जाम्पल ध्यान करिए जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में आपको बताया था है ना कि एक स्टूडेंट को सेवेंटी मार्क्स मिल रहे हैं और उसी स्टूडेंट को 90 मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वो पाँच घंटे से कम पढ़ रहा है तो उसको 70 मार्क्स मिल रहे हैं पाँच घंटे या पाँच घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उसको 90 मार्क्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे वो फंक्शन मतलब जो मार्क्स थे वो क्या हो रहे थे वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहे थे चेंज हो रहे थे तो यहां पे भी वही चीजें देखिए अ पीस वाइज फंक्शन फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय मल्टीपल सब फंक्शंस यहां पे मल्टीपल सब फंक्शन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा सब फंक्शन हो सकते हैं ओके सब फंक्शन मतलब क्या मैं आपको अभी समझा रहा हूं पहले ये देख लीजिए ईच सब फंक्शन अप्लाइंग टू सर्टेन इंटरवल ऑफ अ ऑफ द मेन फंक्शन डोमेन अब देखिए जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जो डोमेन है वो आर्स का पर डे के हिसाब से वो कितना होगा पूरा ट्वेंटी फोर आवर्स मतलब वो जो डोमेन डु, का सेट है उसमें वन आर टू आर थ्री आर फोर आर करते करते कहाँ तक आएंगे ट्वेंटी फोर आवर्स तक तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे है कि सब पहले हम देखते हैं क्या सब फंक्शन के बारे में अब देखो जैसे हम देखते हैं ना कि कोई एक सपोज़ करो कि कोई एक क्वेश्चन है उसके दो पार्ट होते हैं या कभी कभी तीन पार्ट भी होते हैं है ना तो ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट तो हम इस क्वेश्चन का क्या बोलेंगे ये सब क्वेश्चन है मतलब ए बी और सी जो है वो सब क्वेश्चन है किसका इस क्वेश्चन नंबर वन का तो ऐसे ही हम क्या देखते हैं कि कोई अगर फंक्शन है जैसे हमने आ, आप बात की थी ना मार्क्स को अलग अलग कंडीशन में डिफाइन किया था सेवेंटी मार्क्स मिल रहे हैं अगर वो पाँच घंटे से कम पढ़ रहा है और अगर वो पाँच घंटे से ज़्यादा या उतना पढ़ रहा है तो उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं नाइन्टी मार्क्स तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मार्क्स जो हैं वो कंडीशन वाइज क्या हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं क्लियर तो यहाँ पे भी क्या होता है कि फंक्शन जो होता है वो कंडीशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उन्हीं हर एक डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन को आप क्या बोल देते हो सब फंक्शंस क्लियर और हर सब फंक्शन एक इंटरवल में क्या होते हैं डिफाइन किए जाते हैं उसकी एक सेकेंड डेफिनेशन भी देखते हैं अ पीस वाइज फंक्शन इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय टू और मोर एक्सप्रेशंस मतलब दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन से उसको डिफाइन किया जाता है वेयर ईच एक्सप्रेशन इज एसोसिएटेड विथ अ यूनिक इंटरवल मतलब हर एक्सप्रेशन का एक इंटरवल होता है अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 मार्क्स का इंटरवल क्या था x लेस देन फाइव और 90 मार्क्स का इंटरवल क्या है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 तो ये भी अपने इंटरवल्स में इनका एक यूनिक इंटरवल है ओके okay. तो ऐसे ही इनका भी एक यूनिक इंटरवल होता है जैसे एक एग्जांपल देखते हैं देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू अब यहाँ पे आप देखो ये आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा अगर आपने पिछला एग्जांपल देखा होगा तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से कम है If x is less than or equal to 0, then this value of f of x is what? 2. And if the value of x is greater than 0, then the value of f of x is what? 3.

कि अगर हम कोई भी वैल्यू एक्स की लें जो ज़ीरो हो या जीरो से कम हो तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उस हर वैल्यू के लिए एक्स की क्या मिलेगी टू जैसे अगर मैंने इक्वल टू ज़ीरो लिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा जीरो ओके okay, और ये लेस देन जीरो है तो मान लीजिए मैंने लिया माइनस वन और माइनस टू लिया सपोज करो तो मुझे एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है देखो यहाँ पे इसके लिए भी टू मिलेगी इसके लिए भी टू मिलेगी इसके लिए भी टू मिलेगी क्योंकि डिफाइंड ही है ना ये देखो ये डिफाइंड ही है कि अगर एक्स की वैल्यू इक्वल टू और लेस देन जीरो हो तो हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू तो इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू ले लें एक्स की जीरो ले लें या जीरो से कम ले लें हमें एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी टू इन द सेम वे हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो ज़ीरो से ग्रेटर है तो हमको क्या मिल रहा है थ्री तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं अगर एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है थ्री तो हम ग्रेटर वैल्यू ले लेते ले 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 हैं सपोज़ कीजिए मैंने वन टू और थ्री ले लिया तो मुझे इनमें x की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी थ्री मिलेगी सबके लिए क्लियर अब अगर मैं यहाँ तो देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ टू मिल रहा है माइनस वन के लिए टू मिल रहा है और माइनस टू के लिए भी टू मिल रहा है अब देखो जीरो के लिए मुझे टू मिल रहा है राइट माइनस वन के लिए भी मुझे क्या मिल रहा है टू मिल रहा है और माइनस टू के लिए भी मुझे क्या मिल रहा है टू मिल रहा है तो यहां पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये फिगर इस टाइप का बनता है लाइक दिस क्लियर क्लियर इज दैट ठीक है इन द सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूं, one, two, और थ्री के लिए वन के लिए भी थ्री मिल रहा है टू के लिए भी थ्री मिल रहा है और थ्री के लिए भी थ्री मिल रहा है तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा वन के लिए मुझे थ्री मिल रहा है टू के लिए मुझे थ्री मिल रहा है और थ्री के लिए भी मुझे थ्री मिल रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं अब इस ग्राफ को ज्वाइन करता हूं तो ये ग्राफ कैसा बनेगा इस टाइप का इज दैट क्लियर यहां तक क्लियर है अब यहां पे आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ तो सेम ही है ग्राफ तो सेम ही है लेकिन वो कंडीशन वाइज क्या हो चुका है स्प्लिट हो चुका है कंडीशन वाइज क्या हो चुका है स्प्लिट हो चुका है मतलब उसके पीसेस हो चुके हैं इसीलिए इसको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं इस फंक्शन के क्या हो चुके हैं टुकड़े हो चुके हैं मतलब इस इस ग्राफ के टुकड़े हो चुके हैं पीसेज हो चुके हैं तो आप ये देख सकते हैं ये फर्स्ट पीस ये रहा सेकेंड पीस ये रहा ओके ज़रूरी नहीं है कि टू पीसेज ही रहें टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं मल्टीपल पीसेस हो सकते हैं हंड्रेड पीसेस भी हो सकते हैं ठीक है तो इसीलिए इसको पीस वाइज फंक्शन बोला जाता है क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग ग्राफ जो होता है फंक्शन का वो अपने आप में पीसेस में डिवाइड हो जाता है इज़ दैट क्लियर तो यहाँ पे यही जो पीस वाइज फंक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है जिसके लिए कंटिन्यूटी यूज़ किया जाता है ओके okay, जो पीस वाइज फंक्शन है यही एक ऐसे प्रॉब्लमेटिक फंक्शंस रहते हैं जिसके लिए कंटिन्यूटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इज़ दैट क्लियर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग इंटरवल जब हमने इसके देखे इस फंक्शन के जब अलग अलग इंटरवल देखे तो हमें यहाँ पे यह देखने को मिला कि वो ग्राफ जो था ये ग्राफ तो सेम ही है जो एफ ओफ एक्स ये कंप्लीट एफ ओफ एक्स का ही ग्राफ है लेकिन अलग अलग इंटरवल के अकॉर्डिंग ये क्या हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है मतलब डिवाइड हो चुका है डिवाइड कहने का मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइंड हो रहा है तो इसीलिए ये हमारा पीस वाइज फंक्शन हम इसको कहते हैं ओके okay. और हाइब्रिड फंक्शन भी बोलते हैं देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं हाइब्रिड भी इसीलिए उसको हाइब्रिड फंक्शन भी कहा जाता है तो एक ये सिंपल एग्जांपल आई होप आपको ये क्लियर होगा होगा हो गया होगा अगर आपको इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम भी है तो आपको जितने भी सम्स मिलेंगे लिमिट्स में या कंटिन्यूटी में आपको जितने भी सम्स मिलेंगे मोस्टली आप ये देखेंगे कि पीस वाइज फंक्शंस के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द सम्स तो हम ये सम्स में भी ये चीज़ क्लियर कर लेंगे लेकिन ये जो बेसिक जो हमारा जो आ, एम है पीस वाइज फंक्शन को पढ़ने का वो हमें समझ में आना चाहिए कि हम पीस वाइज फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और हम उसको क्यों पढ़ते हैं और ये आई होप कि आपको पिछले वीडियो के एग्जाम्पल से और इस एग्ज़ाम्पल के ग्राफ से पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन